હેલો ્ટુડેન્ટ કંપીટેટી પઈન્ટ યુટ્યુબ ક્લાસેસ તો સ્ટુડેન્ટ જેમ અપકમિંગ એક્ઝામો બેસ કરી આમર જી કેર એ જે ભીડીઓ ક્લાસ આમ અપડેટ ચાલી છે ગોટા ક્લાસ સિરીજ આમ પ્રોભાઈડ કરાવ બાયોલોજીર દેન જી કેર પલીટીર દેન

आम एम सर राजे सर मैथ एंड रिजुनिंग्र भैबल भिड गुड़ाक प्रिस्े अच्छी आेजेन्ट भी चलीगुड़ा से देन सेगण देखिए आह आम जो कंपिटेट पेंटर एंड्रोइ आप अच्छी देन ताक भी इनस्टल करके जब्र नोटिकेसन गुड़ाक भी पारे और फैसिलिटी आप नहीं पारे आमती किए कि सब कौन ना आमर ये जो भिडिय आपन को टेलीग्राम रिंक मिल जाऊ टेलीग्राम एड होती भिडर एंड पी डेफ देन देखे अपलोड कर दि जाऊँगी ठीक अच्छे थी, तो से माने पाई रिविजन भी कराने सुविधा होगा ठीक अच्छे थी? तो लेट न कर रिक्वेस्ट कि फ्रेंड सर्कल सहित तो लिंक को अगर अधिक मात्रा सेयार कर दिंटू तो स्टार्ट करवा आज सीरीज को लेट न कर टाइम भितर अधिक क्वेश्चन को आम देखा चेस्टा करा जमीक देखिए थमनेइल कौन कौन कि मोस्ट इम्पोर्टाट एम सिक्यू अन् इंडियान पॉलीट इंडियान पॉलीटिक बेस करके कौन ना बहुत गुडाईटां क्वेश्चन मुझे नहींक्री जोगे डिस्कसन करी देखा ठीक अच्छे जीवा प्रथम क्वेश्चन को देखा कौन कौन तो क्वेश्चन नंबर व्वान क्वेश्चन नंबर वाने कौज कि द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ऑफ़ द ऑफ प्रेसीडेट ऑफ इंडिया इज मोस्ट क्लीयरली सिमिलर टू क्वेश्चिन भल भाव बुझीद क्वेश्चन भल भाव देन तापर अप्सन को जी आम आंसर करवा क्वेश्चन कहूँ द कन्स्ट्यूशनाल पोजिशन अफ द प्रेडेंट अफ इंडिया इज मोस्ट सिमिलर टू सी कहूँ कि इंडिया रे

सिटी तांकर यूके रे तांकर जो क्राउन रहउचंदी क्वीन रोज मैंने वाची पा ना कोन करउचंदी ना हेरिडिटरी आस्थाउचंदी वंशानुक्रमिक भाबे में आस्ता डिफरेंस बाकी आमो कंट्री पार्लमेटरी फॉर्म को फॉलो करूँ ता कंट्री भी एठी भी रियल हेड होउचंदी पीएम इंग्लैंड में रियल हेड होउचंदी पीएम बट आम एठी एग्जीक्यूटिव हेड आ तांकर सिटी एग्जीक्यूटिव हेड तांकर मोनार्च तो ये कंडीशन कोन हे हो आंसर हे जाऊ की ब्रिटिश मोनार्च सिमिलर सिमर का पोजीशन पोजिशन सहित पोजिशन अफ

1992 नाइटिन नाइंटी टू रिटा अमेन्डमेंट होता गोटे हूँ सेवेन्टी थर्ड आउ गए सेवेन्टी फोर्थ कन्स्टिट्यूशन आमेडमेंट आक्ट के दीटा जाक नाइंटीन नाइंटी टू रही यहाँ का पंचायतीराज पर आई क्या होता मुनिशी पालट तो क्वेश्चन कहे कि सेवेन्टी क्वेश्चन कहाँ सेवेंटी थार्ड आमेडमेंट आक्ट आउ से थार्ड अमेंडमेंट एक्ट 1992 रिलेटेड टू पंचायत राज कोठी पंचायत राज पंचायतराज जहाँफल कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन रे कौन चेंजेस आसला ना गोटे पार्ट्रड कराला पार्ट होते पार्ट हो नाइन पंचायतराज परड्यूल सेड्यूल को भी एड् कराला कि कितने नंबर सेड्यूल को एड् कराला इलेवेन्थ नंबर सेड्यूल को एड कराला सेम देख आर्टिकल्स तो टू फर्टी थ्री रू 243 ओ पजंदा कोन होला आर्टिकल को एड कराला का पय ए सब का पय ना पंचायत राज पय पंचायत राज में को पीएम को समय रेड आइ थिला तो नो डाउट जदि दे हम देखिबा केबर कथा 1992 तो केथिवे वी वी एन राव पी वी नरसिम्हा राव आंसर हेगला कौन पंचायती राज 74थ जी देइ थंदा तो आम आंसर होता म्यूनसीपाल बटे सी दीची थर्ड और सेवेंटी थर्ड इज कन्स्टिट्यूशन आमेडमेंट आक्ट नाइंटीन नाइंटी टू इज रिलेटेड टू पंचायतीराज इनट्यूशन इन इंडिया कस्तर देख ल कौन दीची? सेवेन्टर्ड कन्स्टिट्यूशन अमेडमेंट आक्ट नाइंटीन हंड्रेड नाइन्टी टू प्रोवैडेड द प्रेजेंट से पंचायतराज सिस्टम आज डेट्रे जो पंचायतराज काम कराया कौन पाई ना सेवेंटी थर्ड कन्स्टिट्यूशन अमेडमेंट आक्ट नाइंटीन नाइट टू पर नाउ द पंचायतराज इनट्यूशन इन मोस्ट अफ़ द स्ेट्स हाव बी सेटअप एट द थ्री लेवेल्स कौन ना आज डेट्रेज़ देखा पंचायतराज इनिटीट्यूसन केतटा लेवल काम कर मोस्टली थ्री लेवेल्स तीन टेबल काम कर राज इनिटीट्यूसन गोटे भिलेज लेवल आउ गोटे इंटरमीड आ गए हूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल बट द स्मर स्टेट्स हाविंग ए पपुलेसन अफ ले लाक्स मनेरख जो स्टेट पपुलेस कॉड़ी लक्ष रु कम रोच थ्री आर नट थ्री आर ओनली टू दे आर ओनली टू टायर्स से काम कर द भिलेजे लेवेल एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल आ कौटा ये मिलबन इंटरमिड लेवल ठीक है तो सेवेंटी थार्ड कन्स्टिट्यूशन आमेन्मेन्ट आकट्रे कन्स्ट्यूसन में नंबर पार्ट को पार्टक और शेड्यूल नंबर एगार् ए कराला और आर्टिकल नंबर टू फर्टी थ्री रु टू फर्टी थ्री ओ पर्यंत एड कलावा आता त्या भीती प्रोविजन अजि पंचायतराज तीन लेवल काम कर गोटे भिलेज लेवल ग्रामपंचायत गोटे इंटरमिडीएट रे ब्लॉक જેટક પંચાયત સમિતિ અમે કહ્યું આ કં ટપ લેવલ ડીસ્ટ્રિક્ટ લેવલ કામ કર્યો તકિમી જિલ્લા પરીષદ બોલી કહું કે એક્સેપસન કં અહી જે રાજ્ય ગુડાક પપુલેસન કુડી લક્ષરૂ કમ રહી જાવ દેન સી રાજ્ય ગુડાક ચાહીં કંઈ પાર થ્રી સિસ્ટમ ટાક ટુ ટાયાર પે લો લેવલ રી ના ગ્રામ પંચાયત ભલેજ લેવલ આ કુઠું ટપ લેવલ ડીસ્ટ્રિક્લે લેવલ જિલ્લા પરીષદ રો ઇન્ટરમીડીએટ લેવલ્ટા ન રહીપે ઠીક છે તો મને કેત પપુલેસન કેતુર કમ ર लेस देन ठीक क्लियर क्लीयर समय क्वेश्चन नंबर थ्री देख आ देख ल क्वेश्चन नंबर थ्री कौन हमंग द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट नट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि इंडियाट्यूशन रो सेड्यूल जानते इंडिया जो कन्स्ट्यूशन रमेशन है कन्स्टिट्यूशन हला एडप्ट जो कराला केवे कराला ट्वेंटी सिक्स अफ नवेम्बर ऑफ फर्टी नाइन रे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन को कर कराला एडप्ट कराला आउ ए समय रे या पार्टस ना ट्वेंटी टू सेड्यूल्स तालाते एट आओ आर्टिकल्स थे थ्री हंड्रेड नाइंटी फाइव आर्टिकल थी जोटा कि आज डेट्रे बढ़ी सारी ईसारी पचीस ये सारी કેત ટુએલ આઉહસારીર હન્ડ્રેડ 460 પ્લસ ઠીક છેડીશનરે ક્વેશ્ચન પચાર છી કે ઇન્ડિયા કન્સ્ટિશન જે પ્રથમ આઠટા સેડ્યુલ ઇલા આજ શેડ્યુલ અછી અ શેડ્યુલ ભીતરે જો 8 નંબર શેડ્યુલ અ કો વિષયે ઓફિશિયલ લેંગ્વેજીસ વિષય કહ છે

राजस्थानी लांगुएजा क्या भितर ना ऑफिशियल लांगुएजे भितर ना, भी ना माने याईसटा लांगुएज भर में ना माने शेड्यूल नंबर एट भर में ना ठीक अच्छे तो राजस्थानी लांगुएज जो बैश लांगुएज भेजे जगह पाए तो आंसर कौन हो राजस्थानी लांगुएज यदिमें देखुं द ट्वेंटी टू लांगुएजे इन एथ शेड्यूल आर फास्ट जदि देखा तो आसमि बेंगली बोडो डोगरी गुजराती हिंदी कन्नड काश्मीर कोंकणी मैथिली

रिस्ट्रिक्शन प्लेसड ऑन फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया से कौ कि कौन से कुछ ना रिजन फंडामेंटल राइट को जो कम करना फंडामेंटल राइट को प्लेस करें कौन कारण फंडामेंटल राइट को कम कर दिया ना दिजा कमियाज़ न दि जाए गवर्नमेंट तरफ रेन कौन रिजन पर न दि जाऊकन किए पचारिपार किए पचारिप कि जनकर फंडामेटाल रईट कु कहीं कटेल कराऊ क्वेश्चि पचार अधिकार का क्या किए डीसाइड कर

જુડીસીયરી ઠી જે સુપ્રિમ કોર્ટ હાઈકોર્ટ બીપારે ઠીક અહીં તો એટલે કં અ પાર્લામેન્ટરે આઉ જેતુ ઇન્ડીયા કનસ્ટીટ્યુસન કુ રક્ષા કરવા અછ સુપ્રીમ કોર્ટ તો નિશ્ચિત ભાવ ઇન્ડિયા કનસ્ટિટ્યુસન ભરે પ્રેઝેન્ટ અ પાર્ટ થ્રી કં પ્રેઝેન્ટ અ ફંડામેન્ટાલ રાયટ્સ कह आर्टिकल ट्वेल्व टू थर्टी फाइव तो जेहेतु कन्स्टिट्यूशन कोट्यूशन रोस्टिडियन भाव में कम कर सुप्रीम कोर्ट बा जुडिशियरी हाई कोर्ट देन से रे या भितर प्रेजेंट थी पार्ट थ्री को रईट कोई प्रोटेक्ट कर तो नो डाउट किए ना कोर्ट ही हिं कर किए करोर्ट तो हिंपी देख पार्लमेंट नुह प्रेसीडेट नुह प्राइम मिनिस्टर नुह कन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करो कारण रिजनेबुलने को डीसाइड कर पावर टा क्या केवल इंडिया रे जुडिशियरी सिस्टम जुडिशिय और पुडिय अर्थ हो कोर्ट्स क्लियर क्लीयर तो देख फंडामेट रईट्स ग्यारंटेड बै द कन्स्टिट्यूशन आर नट एबसल्यूट एंड सर्टेन रिस्ट्रिक्शन कैन भी इम्पोज बै द स्टेट अकोर्ड टू द प्रोसीजर इटाब्लीश बै ल हाउ एवर दिज रिस्ट्रिक्शन मस्ट भी रिजनेबल एंड नट એવ્રિટરી દ રીઝનેબુલનેસ અફ દ રિસ્ટ્રિક્સન્સ ઇજ ડિસાઈડેડ બાય દ કોર્ટ ઇજ ડસાઈડ ઇન્ડિયા સિટીઝન મને ફંડામેન્ટાલ્લ રઈટ દીયા છે કોણસી કારણું તાર ફેન્ટાલ્લ રઈટ ભાયોલેન્ટ હોય છે દેન કંપની તાર સુલેન્ટ તાર ડીસીસન નવાર પાર ટા કા પાસે થો છે ઇન્ડિયા ને કોર્ટ પાસે કોર્ટ પાસે ક્લીયર સમસ્તર क्वेश्चन नंबर फाइव देख कौन कौन क्वेश्चन नंबर फाइव रे कौन कौन देख क्वेश्चन नंबर फाइव कहू कि हू एम द फॉलोइंग वाज़ द वाइस प्रेसडेन्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन द इंटरम गवर्नमेंट 1946 फर्टी सिक्स फर्टी सेवेन क्वेश्चन कह 1946 नाइन्टीन फर्टी सिक्स आइंटीन फर्टी सेवेन भितर गोटे इंडिया को चलवाप कौन या इंटरिम गवर्नमेंट यार रस प्रेसीडेट किए थे यार भाई प्रेसिडेट किए थे तो आन्सर कौन हो पंडित जे एल नेहरू यदि पचारे कि यार प्रेसीडे किए थे तो से समय जी भाई रय थी किए थे वेभल किए थे लर्ड वेभल से समय कौन थे भाई रॉय जी थे इंडिया और सीए थे कौन ना इंटरम गवर्नमेंट रेसीडेट

जे एल नेहेरू कामें कह एल नेहरू जे एल नेहरूर पीएम रो टेन् रही कार्य काल रोचा हो नाइटीन फर्टी सेवेन टू 1964 सिक्सटी फोर पर्यटन पखापाखि सतर वर्ष सेवेन्टीन इयर्स तो यही कंडीशन में यार पीएम सीप्टा केवटू काउंट करा फर्टी सेवेन रु आउ एंडे डेथ होता डेथ केवेला नाइनटीन सिक्सट फोर रे क्लियर तो एटी मोतीलाल नेहरू नुटी सरदार पटेल नुकती किंवा सी राजगोपाल आचारी नुकतं आनसर हे जाऊची पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द भाईस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव कौस इन द इंटरन गवर्नमेंट इन 1946 टू 1947 भीतर ठीक अछि

अरे जी, वेबल, जी इंडिया ভাইস रहे बा गवर्नर जनरल थेले से होचन कि लॉर्ड वेबेल और वेबेलिंग यार प्रेसिडेंट थेला ভাইস प्रेसिडेंट थेले पंडित जवाहरलाल नेहरू क्लियर समझता करो क्वेश्चन नंबर 6 देखो को कोउची व्हिच अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटेड इंडिया इन यूनिस्को वंस इन हिज लाइफ टाइम से कहूँ कि इंडियार ये जो चार जन जाक प्रेसीडेट विषय दे शंकर शंकरदयाल शर्मा हम डर राजेन्द्र प्रसाद हूं डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हूँ ज्ञानी जयल सिंह हूँ ये प्रेसिडेट भितर सी कहे कि ये भितर कोेडेट तक लाइफ टाइम थूनेस्को इंडिया को रिप्रेजेन्ट करते मैंने इंडिया इंडिया तरफ प्रतिनिधित्व तो करते तो से जन होता आंसर कौन हो एस राधाकृष्णन किए हे डर एस राधाकृष्णन ये तब वाले प्रेसिडेंट थे ले सत्ता वाले जायना थे 1947 रे कोठी जाय थे ले यूनिस्को हम्म यूनिस्को को जाय थे रिप्रेजेंट करते ले कहाँ कर को इंडिया को रिप्रेजेंट करते ले आओ ये इंडिया का प्रेसिडेंट क्या बेहले 1962 रु 67 बजन्दा कौन थे ना प्रेसिडेंट थे नाइन्टीन फिफ्टी टू रु नाइनटिन सिक्सटी टू पर्यत कलेस प्रेसिडे क्लीयर समस्त क्लीयर समबल राधाकृष्ण रिप्रेजेंटेड इंडिया एट यूनेको इन 1947 हंड्रेड फर्टी सेवेन ठीक अच्छे नाइन हंड्रेड फर्टी सेवेन रे क्वेश्चन नंबर सेवेन देख व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद सिटीजनशिप एट द टाइम ऑफ कमेन्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से कहू की व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ये आर्टिकल भितर फाइव सिक्स सेवेन एइट भितर को आर्टिकल कहूँ कि सिटीजनशिप सीटेनसीप जो दिन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कराव ये कहूँ कि या भितर को आर्टिकल टाइम कह इंडिया सिटीजन તેમાં જે ઇન્ડીયા કનસ્ટટ્યુશન કુ લાગુ કરાહવ તો આમે જા ઇન્ડિયા કન્સ્ટીટ્યુસન સિટીઝેનસીપ વિષય સિટીઝેનસીપ વિષય કેમ્બર પાર્ટ મેનશન કર્બર ટુ પાર્ટ નંબર ટુ આમિત આર્ટિકલ દેખું તો ફાઈવ ટુ ઇલેવન આ ભરું પાંચ નંબર આર્ટિકલ હિં કહું કે છબ્બીશ જાન્યુઆરી

ઠીક અ છે પાંચ છો સાત દેન આઠ કં કહુ ના જે દિન ઇન્ડીયા કન્સ્ટિશન કુ લાગુ કરાહો છે ટ્વેન્ટી સિક્સ અફ જાન્યુઆરી નઈન્ટીન ફિફ્ટી સી દિન જે ઓરીજીન પર્સન એબ્રોડ ઇન્ડીયા થવારે પુણી ઇન્ડિયા કુ ફેરિકી આસ દેન તું બી કં મિબ સિટીઝનસીપૂર્ણ કમિબ સિટીઝેનસીપ મળ આઈટા કં કહિ ના છિ જાન્યુઆરી ટ્વેન્ટી સિક્સ અફ જાન્યુરી

দেখ আৰ্টিকেল ফাইভ অফ দ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন ডিল ৱিথ দিটন চিপ এট দ কমেনসেণ্ট অফ দ কনষ্টিট্যুচন দিছ আৰ্টিকল চেজ দা এট দ কমেন্সমেণ্ট অফ দিছ কনষ্টিটিউচন এভ্ৰি পাৰ্চন হু হেজ হিজ ডোমিচাইল ই টেৰিটৰি অফ ইণ্ডিয়া ক' কণ্ডিছন প্ৰথম কণ্ডিচন হ'ব কি

देख इंडिया रे जो पढ़िले कि पाँच रूार नंबर आर्टिकल भितर सिटीजनशिप विषय लिखाई एगार नंबर आर्टिकल कहि कि कौन ना नाइंटीन फिफ्टी पर क्या सीटेनसीप दिहब आ नियाहबन किए ना पार्लियामेंट पार्लामेट नए नब पार्लियामेंट अफ इंडिया नब ठीक अच्छे आ पार्लमेंट ए कला ना नाइनटीन फिफ्टी फाइव गोटे आक्ट या कौन कह सिटीजनशिप आक्ट સિટીઝેનસીપ આક્ટાઈન હન્ડ્રેડ ફિફ્ટી ફાઈવ આ ભરે સિટીઝેનસીપ આક્વિર કરવા પાંચટા વે રખા સિટીઝેનસીપ કુ આક્વર કરવા પ્રથમ જનિષ ઇ બાય બર્થ મને અમરે બાય બર્થ આ કં બાય આટ બાય आ डिसेंट, आउट हो बाय नेचुरलाइजेशन, और फाइनली आउट हो चुका ना, ना बाय एक्विजिशन ऑफ़ टेरिटरी, एक्विजिशन ऑफ टेटोरी कौन कौन एरिया कौन कौन एरिया ठीक अच्छे तो जन्म सिटेनसीप मिल रेजिट्रेसन कर वंश आधारजेनसीप नहीं पार बहुत दिन इंडिया रहीकि नैचराल हालापर सिटेसीप नहीं पारे आगा को इंडिया कौन कला एकर कर तो से एरिया जितना सिटेनसीपे से माने इंडिया ने हो जाए तो ये कौन कौन देख लोटे डोमिसाइल डोमिशाइल रर्थ हो ठीक क्या तो बार्थ আপ ডিসেন্ট এই কম মিলি বার্থ ডিসেন্ট রেজিষ্ট্রেসন বার্থ ডিসেন্ট রেজিস্ট্রেসন এন্ড হোল্ডিং অফ প্রপর্টি এমনি তো লেখা হইনি কনস্টিট্যুশন রে ন অফ দি এব বি হব না সবটু সবু সুইটেবল আনসর হচ্ছে আমার কোথা ডোমিসাইল ডিসসেট অ্যান্ড রেজিস্ট্রেসন डोमिसाइल माने बर्थ बाय बर्थ बाय डिसेंट और बाय रजिस्ट्रेशन रे बाय बर्थ बाय रजिस्ट्रेशन बाय डिसेंट रे जन इंडिया कोन नै परबो सिटीजनशिप नै परबो तो आंसर होउची ऑप्शन नंबर बी क्लियर समस्त कर तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिड नॉट कोडिफाई परमानेंट लॉस फॉर सिटीजनशिप एंड पुट दिस Once on Parliament using the powers of the Article ten and eleven, the Parliament enacted Citizenship Act nineteen fifty five, which has been amended for the time to time. This act mentions four ways in which a person may be Indian citizen by, by, by birth, by descent, by registration and by naturalization, citizenship by birth and descent are called natural citizens. By birth uh, by

ઇન્ડીએ ઇલેક્શન કમિશન અફ ઇન્ડીયા જણ હું ચીફ ઇલેક્શન કમિશનર પ્લસ ટુ ઇલેક્શન કમિશનર ટોટાલ થી જણ કામ કરુચ્છ બટ નન ફિફ્ટી નન પર્ંત ઇ કં ને સિંગલ મેમ્બર બડી ઇ સિંગલ મેમ્બર બડી નન એનરે આખું કં કરાવ મલ્ટીમ્બર કરાવ બટ નન ન પર્મંત કંઈ મલ્ટીમ્બર બડી મલ્ટી મ્બર બડી એગેન નન ન મલ્ટી મર બરીગલા તો તર્થ કંઈ ગાઈન નું ન પર્ કંઈ ગુરી સિંગલ મેમ્બર બડી એગેન નન નું ટેટ

बा प्रथम करुच्ची तो सी कहती कि तारकुंडे कमिटी अशोक मेहता कमिटी जीवन रेड्डी कमिटी जेपी कमिटी तो आंसर हम क्या तारकुंडे कमिटी आंसर हम कौन तारकुंडे कमिटी आ कमिटर फर्मेसन के नाइनटीन हंड्रेड 1974 रे जयप्रकाश नारायण जनता पार्टर फाउंडर जयप्रकाश नारायण जहाँ को आम जननायक कहते सीया नाइनटीन सेवेन्टी ठीक अच्छे आकमेड कर कि इंडिया में कौन कराऊक्शन कमिशन को सिंगल मेबर बडी मल्टी मेम्बर बड़ी कर दिया आ दि जाऊे एट्टी नाइन रु नाइंटी गोटे वर्ष वर्षपुर काम कर देन नाइन्टीन नाइंटी थ्री आज पर्यटन ये मल्लिमेम्बर बड़ी भाव में कम कर यारे हेड थे ना कौन थी भिएम तारकुंडे भि एम तारकुंडे ठीक अच्छे क्लीयर समस्त देख ल कौन दे

तो ये कौन कर ला, ना बहुत गुडे रिफर्मेंटा भर में गोटे इलेक्शन कमिशन कर रिफर्म को विषय कही ना या सिंगल मेम्बर बड़ी रू कर्ट करके मल्टीमेबर बडी कर दि जाऊे क्वेश्चन नंबर टेन कह द फास्ट नो कन्फिडेन्स मोसन वूडड इन द लोकसभा इन ह्विच अफ द फलोईंग आंसर कर क्वेश्चन कह कि इंडिया लोकसभा प्रथम नो कन्फिडेन्स मोशन टा को वर्ष आम जानी नो कॉन्फिडेंस मोशन कनफिडेन्स को जो कह जाए अनास्था प्रस्ताव पार्लियामेंट रो को, को, को हाउस रे ना ओनली लोकसभा कौट ओनली लोकसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन जी पास हो तो कौन हाँ ना पीएम पी एम तोस्ट रू रिमूव रिमुव हो तर्थ पीएम सहित किए ना गवर्णमेंट आउर पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन हो रिमुव हो ठीक अच्छे तो नो कॉन्फिडेंस मोशन मोसन पार्लियामेंट रे ओनली लोकसभा रे जदि गला देन पीएम तरह गवर्नमेंट आउर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन हो रिमुव होने आगे कहींपर कि गवर्नमेंट गवर्णमेंट कई बटी डिजल्वी कौन हो गणमेंट डिजल्व हो क्वेश्चन कौच कि इंडिया रा लोकसभा रे प्रथम नो कॉन्फिडेंस मोशन फास्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन के बे आस्तिला ता आंसर हबो कोन 1963 1963 की आनी थिले आचार्य कृपालिनी आचार्य कृपालिनी को को पीएम को विरुद्ध आनी थिले 1963 न 1963 थ्री नो डाऊट के जे एल नेहरू काहीकिना सिक्सटी थ्री फोरे त्या डेथ होईल आ डेथ पर्यंत से पि एम ही तर आनसर कं हेगाला न सिक्स्ट थ्री रे लोकसभा प्रथम नो कनफिडेन्स मोशन आसला जेवढा की आम्ही देखील

क्वेश्चन नंबर इलेवेन कहू कि द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया हैज बीन प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ व्हिच अमंग द फॉलोइंग अथॉरिटीज से कहती कि ये जो इंडिया पाखे कंटीजेंसी फंड अच्छे से पाखे था मैं सही टा उठाइवा से किसी करवा तो यवर टा काखे था अथरीटी पाखे था कहती कि सीएजी पाखे था

बट सी की पचारजेन्सी फंड यही टा कडाइज उठी परमिशन रे ना प्रेसिडेंट अफ इंडिया कंटीजेसी फंड को कौन कह कौ जाए इमरजेन्सी फंड कौन जाए इमरजेन्सी ଫଣ୍ଡ ହଠାତ୍ ଯଦି କିଛି ଡିଜାଷ୍ଟର ହେଲା କାଲାମିଟି ହେଲା ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ତ କନସଲିଟେଟେଡ୍ ଫଣ୍ଡରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାର ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି ଲେନ୍ଦି କାହିଁକିନା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଉଠାଇବ ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସମୟ ଦରକାର ଆଉ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ନା କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ ବା ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡରୁ ଟଙ୍କା ଉଠିପାରିବ ଯେଉଁଟାକି କାର ପରମିସନ୍ରେ ଉଠିପାରିବ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପରମିସନ୍ରେ କିଏ ଉଠାଇବେ ନା ଫାଇନାନ୍ସ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଫାଇନାନ୍ସ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ भारत सरकार कर जो फाइनेंस सेक्रेटरी थीबे से काम करबे टंका उठेबे तो आंसर हेगल कना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो देखो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया हैज बीन प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द अदर हैंड कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स आर एट द डिस्पोजल ऑफ गवर्नर नो डाउट ઇન્ડિયા નેટાલ હું કેટલા ના ગવર્મ અફ ઇન્ડિયા ની તિન ફંડ ગુજરાત હું કં કન્સલેટ ફંડ ગોળ હોય કંજેન્સી ફંડ આટલી કં ના પબ્લિક અકાઉન્ટ ફંડ એમને પ્રતિ રાજ્ય પાક નિણ થોલેટેડ ફંડ કંટીજેન્સી ફંડ આ કં ના પબ્લિક અકાઉન્ટ ફંડ तो देशर हो कि राज्य रोट कनसोलीडेटेड फंड रु टा उठिले पार्लमेंटर परमिशन दरकार राज्य पे विधानसभा कौन जमी पब्लिक अकाउंट फंड आकाउंट फंडा उठाने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्लमेटर परमिशन दरकार राज्य सरकारं विधानसभा बा स्टेट लेजिस्लेचर देन रेन जदि कहबा कि कजेसी फंड रु टा केंद्र सरकार कंटीजेसी फंड रु उठिया कोले प्रेसिडेंट कर परमिशन राज्य सरकार कंटीजेसी फंड रु टा उठापी हेल्ले तो एक्जिक्युटिव हेड ऑफ द स्टेट जो कौन कौन गवर्नर से पर्टिकलार स्टेट्र परमिशन टाइम उठी अच्छे क्वेश्चन नंबर टुवेल्व कहू की जे भिपी कमिटी ह्विच वाज़ कन्स्टिट्यूटेड इन नाइनटीन 49 फर्टी वाज रिलेटेड टू ह्विच ऑफ़ द फलई से कौच अठचाशाश्रे गई थी जार ना हो जे भिपि कमिटी

ભાષાગત આધાર ભારતરે રાજ્ય ગુડાક રિઅર્ગનજેસન પુનર્ગઠન કરવા કમિટી થી કં કુહાય કમિટી કામ યા મેમ્બર તો મેમ્બર જે વલ્લભભાઈ પટેલ પી पट्टा सीतारमैया पट्टा सीतारमैया तो जेल नेहरू वल्लभ भाई पटेल आ पट्टाभी सीतारमैया को लेकिन जे भी कमेन्टर रे आ उनचासपोज ऐसी फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस भाषागत आधार रे नुआ राज्य करिया तारी करवाई या ठीक अच्छे सेमती दर कमिशन भी कराई थ दर कमिशन भी कराई थी देखा आम ये देखो

कौ कमिटर रेकमेंडेसन ना नीएम तारकुंडे कमिटी रेकमेंडेशन के सेवेंटी फोर में बट काम लगे कहते नाइन तो आंसर देख ए नाइन नाइंटीन एट्टी नाइन ठीक है प्रथम थ्रह इंडिया इलेक्शन कमिशन को मल्टी मल्टीमेम कराला नाइन्न एट्टी नाइन इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया कनिस्ट अफ चीफ इलेक्शन कमिशनर्स एंड टू इलेक्शन कमिशनर्स फर द फास्ट टाइम टू आडनाल इलेक्शन कमिशनर्स वे एपोइंटेड अक्टोबर नाइंटीन एट्टी नाइन बट दे सर्वड ओनली फर ए सर्ट टिल

तो क्वेश्चन को उच्च कि आमे जानि चंदे कि इंडिया रे फंडामेंटल राइट सिटिज़न मानको प्रोवाइड कराई छि बट से गुड़ी को एब्सोल्यूट न या पूर्व हम देखले कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट तार तगना सब बेले मिलियोनी कौ समय जो समय नाशनाल इमरजेन्सी देन से समय फंडामेटाल रईट गुड़ाक कम कर दिजाव ना सस्पे कर दिज्व तो फंडामेटाल रईट्स आर सस्पेडेड ड्यूरी इमरजेन्सी आउ सी कहू कि फंडामेटाल रईट जब इमरजेन्सी समय सस्पेड हो जा समय केवल कौ फंडामेटाल रईटा सस्पेड बोली से पचार्ची हिच अफ़ द फलोईंग फंडामेटाल रईट कैन नट् भी सस्पेडेड इवेन ड्यूरी नैसनाल इमरजेन्सी टू लाइफ एंड लिबर्टी रैट टू मुव फ्रिली थ्रू आउट द इंडिया अफेरी अफ्फर साइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ़ द कंट्री राइट टू क्यारि ऑन एनी प्रोफेशन और बिजनेस तो कौन ना जो समय देशनाल इमर्जेन्सी देन से समय कौन को प्रोटेक्ट करना तुम जो जगह को इंडिया फ्रिली मुवर देको जगह रही पार्कि ठीक अच्छे जेकोसी कंट्री कोई किसी कंट्री जेकोसी पार्ट कु देस कौन, कौन, तो कौन प्रफेसन से समय तुम नहीं पार्बन सब जो फंडामेटाल रईट गुड़ाक सस्पेन्ड हैजि आ गोटे हिँ र त्यही हो रइट टु लफ एन्ड लिर्टी बञ्चबार आउ अधिकार राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी केवी कम हे न्यासनाल इमर्जेन्सी समयले पारि सस्पेन्ड कर ठीक अहिले आर्टिकल नम्बर ट्वेन्टी वान् जोडाकि मेनसन गर ইফ দ নেচনা ইমাৰজেঞ্চি ই ডিক্লেয়াৰ্ড অন দ গ্ৰাউণ্ড অফ ৱাৰ আল আগ্ৰেছ দ ফণ্ডামেণ্টালটছ অণ্ডাৰ আৰ্টিকেল নাইণ্টিন আ অট'মেটিকালি সছপেণ্ডেড মানে ক'ৰ যাব কোনো প্ৰফেচন নে বা কোনো জাগে ৰলাৰ প্ৰথমে ক'ৰ হৈ যাব সস্পেণ্ড হৈ যাব হাউ এভৰ দ ৰাইটছ অফ লাইফ এণ্ড লিবৰ্টি ৰট অফ লাইফ এণ্ড লিবৰ্টি জীৱন আৰু স্বতন্ত্ৰতাৰ অধিকাৰ যোনটো কি আৰ্টিকেল একৈশৰে মেনচন অঁ কান্ট বি সছপেণ্ডেড ইভেণ্ট ডুৰিং নেচনা ইমাৰজেঞ্চি ক্লিয়াৰ

क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन देखा कौन कौन क्वेश्चन नंबर फिफ्टन में देख कौ कौ हिच अब द फलोइंग मेथड यूज यूज फर इलेक्शन अफ प्रेडेंट इन इंडिया से कहते इंडिया प्रेसीडेन्लेक्शन या भितर तो को मेथड को यूज करा इंडिया प्रेसडे इलेक्शन या भितर तो को मेथड को यूज कराँ तो इंडिया जिते सब इलेक्शन हो इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया एंड स्टेट इलेक्शन कमिशन ઇલેક્શન કમિશન અફ ઇન્ડીયા કરેસીડેન્ટર ભાઈસ પ્રેસીડેન્ટ ઇલેક્શન લોકસભા રાજ્યસભા વિધાનસભા વિધાન પરીષદ સમિત ટેટ ઇલેકશન કમિશન કરાયાયતી ઇન્સ્ટચ્યુટ ગ્રામ પંચાયત પંચાયત સમિતિ જિલ્લા પરીષદ દેન મ્યુનિસિપાલીર થીનટાઇનિટીચ્યુટ ગોટી હું એનએસી ગ્યુનિસિપાલીટી આ મ્યુનિસીપાલ કરપોરેશન ઠીક છે तो आम कहीपर कि छटा इलेक्शन को कंडक्ट करा स्टेट इलेक्शन कमिशन आई ये छःटा इलेक्शन को कंडक्ट करा किए ना इलेक्शन कमिशन आ मन रख जो गुड़ाक डायरेक्ट इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन कौटा डा ना ये हूँ गोटे डायरेक्ट देन ता सहित तो ये हूँ गोटे डायरेक्ट इलेक्शन ठीक अच्छे सेमती डायरेक्ट इलेक्शन ये भी हूँ डायरेक्ट इलेक्शन तो जो डायरेक्ट आई गुड़िक सब कौन हो इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट ये भी कौन हो इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट तो मन रख कि गवर्नमेंट ऑफ इलेक्शन कमिशन इंडिया जिते सब डायरेक्ट इलेक्शन कंडक्ट कराइए तांकर जो इलेक्शन सिस्टम को काम सिस्टम को कौन करवा फास्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम फास्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम आ जते इनडायरेक्टली इलेक्शन हम युड़ा का ना डायरेक्ट आउ जिते सब इनडायरेक्टली इलेक्शन हेता जो सिस्टम फॉलो सिम फलो कराबाक कौन सिंगल सिल ट्रांसफरेबुलोट सिस्टम कौन सिंगल सिल ट्रांसफरेबुलोट सिस्टम एकक हस्तांतरिय भोट प्रथा द्वारा इंडिया रे राष्ट्रपति को इलेक्शन करा करहब जेतु से राष्ट्रपति आमे जानि में कि राष्ट्रपति को इलेक्शन केमती हो इडाइरेक्टली होती आउ इडली आम कहक सिंगल ट्रांसफरेबल भोट आउ डायरेक्ट काक ना फास्ट फास्ट दूर सीस्टम तो आंसर होगा कौन न सिंगल ट्रांसफरेबुलंग सिस्टम

बैलालट्रे हे बट आउ बाकी इलेक्शन इंडिया में कंडक्ट होची, सब गुडाक सीक्रेट बैलेट बा गुप्त मतदान बोली ठीक अच्छे दिस् सिस्टम इंश्योर दैट द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन वोट देन ठीक आंसर मन रख सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम टू हूम डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेसेस हिज रेजनेसन कि इंडिया रे प्रेसिडेंट देबे त तो को एड्रेस करेंगे तो मन रख इंडिया रे प्रेसीडेंट जो रेजिनेसन तो का दे भाई प्रेसडेट को देव भाई प्रेसीडेंट जो रेजिनेसन दिंत तो क्या कु देते प्रेसीडेट को देवे ठीक अच्छे तो वर्षा वर्ष होगा ये भाई प्रेसीडेट देते प्रेसीडेन्ट को देवे आ प्रेडेंट जी दे तो कहे भाई प्रेसीडेट को देव ठीक अच्छे तो ये कंडीशन कौन ना भाई प्रेसीडेंट प्रेसडेट को प्रेसीडेट भाइस प्रेसिडेट को ठीक अच्छे क्लियर समस्त आदि प्रेसीडेंट देला समय भाइस प्रेसिडेट नथिबे सपोज देन का को देबे ना प्रेसीडेंट डायरेक्ट क्या पारे ना सी जे आई को परिबे आ सपोज यदि प्रेसीडेट बेले भाइस प्रेसीडेट नाहंती बोली सी सीजेआई को देस प्रेसीडेट नाहंती बोली सी जे आई भी नाहंती तो कोन ना सीनियर मोस्ट जज सिनियर मोट जज अफ सुप्रीमकोर्ट क्लीयर समस्त क्वेश्चन आंसर आनसर कहना अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 57 सब क्लॉज 1 पार्ट ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट एड्रेसेस आस रेजिग्नेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्लीयर समस्तर फिफ्टी सिक्स जी टेन् विषय कहते प्रेसीडेंटकर आता टेन् पूर्व रेजिग्नेशन रेजग्नेसन दिखे तार सब क्लच ओन र कौच कि से निजर रेजग्नेसन क्या आड्रेस करके उपराष्ट्रपति को आड्रेस करके सेवेन्टीन नंबर क्वेश्चन कहती कि हू हेज द पावर टू समन और प्रोगेज द पार्लमेंट एंड डीजल ऑफ द लोकसभा से कह क्वेश्चन कहे कि हू हेज द पावर टू समन और अ द पार्लमेंट एंड डिजल द लोकसभा से कह पाखे पावर था हो कि पार्लमेंट को समन कर समान रोच आह्वान प्रोगेज ପ୍ରୋୋଗେଜର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଣ୍ଡ ସେସନ୍ର ଏଣ୍ଡ ଏଠି ସେସନ୍କୁ ଡାକା ହେବ ଏଇଠି ସେସନ୍ର ଏଣ୍ଡ କରାହେବ ଏଣ୍ଡ ତା ସହିତ କ'ଣ ନା ଡିଜଲଭ୍ ଦା ଲୋକସଭା କେବଳ ଲୋକସଭାକୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ନୁହଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ନୁହଁ କେବଳ ଲୋକସଭାକୁ ଡିଜଲଭ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ସେସନ୍କୁ ସମନ୍ କରିପାରନ୍ତି ପ୍ରୋରୋଗେଜ୍ କରିପାରନ୍ତି ଆଉ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଲୋକସଭାକୁ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି ଡିଜଲଭ କରିପାରନ୍ତି ଏ ପାୱାରଟା କାହା ପାଖରେ ଅଛି तो चिफ जस्ट अफ्फियाँ कहीं इंडिया ने जुडरी एक्जिक्यूट भितर जुडियी आउ लेजिस्लेट भर में कौन प्रकार रिलेसन नाइन अटर्नी जेनेल ये किएम आसे प्राइम मिनिस्टर चाहिए एमती काम करिए करेंगे ना प्रे प्रेसीडेन्ट अफ इंडिया बट मन रख प्रेसीडेट भी कार परमिशन रे पीएम कर बट करेंगे किए तो आंसर हम कौन ना प्रेसीडेट तो हु हेज द पावर टू समन प्ररोोग्रेज

जो थी लिखाही कि इंडिया जेकोसी एक्जिक्यूटिव फंक्शन को परफर्म करने पावर हो राष्ट्रपति आईटी लिखाही कि राष्ट्रपति चाहिए निजे कर पारती किपन्ट कर लोक द्वारा करते तो से रू, इंडिया प्रेसीडेट निजे कौन ना न करें कि, 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 कि पर्सन को आपइंट करती आपइ जो सी दिंपंट दवा कम को देश को चल सी आपइंट कर दिखती पीएम को देश को चल सी आपइ कर दिखती मंत्रिमंडल कुछ देश को चलने पर गवर्नमेंटर हिसाब रखा सी आपइ कर दिखती सीए जी पाँ। कोमी टा पैसार टैक्सेसन डिस्ट्रब्यूशन करें क्या अपॉइंट कर दिखती फाइनेंस कमिशन को अल इंडिया सर्विसेस क्रिएट करने यूपीएससी को ये सब सी आपइमेंट करदे मेम्बर को आपइ सब करदे ये अफिसीयलर बट सी क्वेश्चन पचारचार कि ये जो सी ए आउ अटर्णी जेनेल अफ इंडिया सी ए आउ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଆଣ୍ଡ ଅଡ଼ିଟର ଜେନେରାଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଏଜି ଅଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଯେତେସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହିଗଲା ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଆପଏଣ୍ଟ କରନ୍ତି କିଏ ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବଟ୍ କାହାର ଆଡ଼ଭାଇଜ୍ରେ କରନ୍ତି ହୁ ଆଡ଼ଭାଇଜ୍ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇଜ୍ କରେ ତ ମନେ ରଖ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯାହା ବି କିଛି କରନ୍ତି ପିଏମ୍ କର ଆଡ଼ଭାଇଜ୍ରେ କରନ୍ତି କାହାର ଆଡ଼ଭାଇଜ୍ରେ କରିବେ ପିଏମ୍ କର ଆଡ଼ଭାଇଜ୍ରେ କରିବେ କାହିଁକି ନା ଆର୍ଟିକଲ୍ ନମ୍ବର ସେଭେଣ୍ଟି ଫୋର୍ କହୁଛି କି ଇଣ୍ଡିଆରେ ସବୁ କାମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ଆଡ଼ଭାଇଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ

द अपॉइंटमेंट ऑफ द इंपोर्टेंट ऑफिशियल लाइक अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी इलेक्शन कमिश्न चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमिशन एंड सो ऑन जत सब पोस्ट गेल ठीक अच्छे पीएम को आड्जरें प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते 19 नंबर क्वेश्चन देखिबा आज नाइन नम्बर क्वेश्चन कौन व्हिच आर्टिकल डील्स ओथ द ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नंबर आर्टिकल प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ड्यूटी विषय यदि हम देखिबा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन तो इंडिया प्रेसिडेंट भितर प्रेसीडेट आर्टिकल फिफ्टी टूर आरंभ कर टू तापन् ट्वेंटी थ्री होगा सेवेन्टी ओनला बहुत गुड़े आर्टिकल एमती अच्छी कापी अच्छी प्रेसिडेंट अच्छी बट जो देखा पी एम प्राइम मिनिस्टर आर्टिकल होनिटा थ्री आर्टिकल्स ओनली कौन कौन सेवेन्टी फोर सेवेन्टी फाइव सेवेन्टी सिक्स जो विषय में कौन लेखाई सेवेन्टी फोर सेवेन्टी फाइव आ गए होवेंटी एट एतिकर ही कौन लेखाई ना पीएम को विषय को प्रेसीडेन्डभइस दब काउनसिल अफ मिनिस्टर काउनसिल अफ मिनिस्टर हेड हो पीएम ये लिखाही पीएम आपइंट करेंगे प्रेसडेन्ट आपंट करेंगे पीएम को देन तापर प्रेसीडेन्ट आपइ करेंगे काउनसिल अफ मिनिस्टर को बट द आडाइस अफ पीएम

ये हो ना ड्यूटी अफ द प्राइम मिनिस्टर अफ् इंडिया तो क्वेश्चन पचार्च आर्टिकल डिल्स वीथ द ड्यूटीज अफ़ द प्राइम मिनिस्टर अफ् इंडिया तो ईन ट आर्टिकल इंडिया कन्स्ट्यूशन में पीएम के विषय कौन गोटे आर्टिकल होगी सेवेन्टी फोर आगे सेवेन्टी फाइव आ गई सेवेंटी एट सेवेंट फोर कौन कि इंडिया एक्जिक्यूट हेड होती पीएम आ पीएम को आड्इज कराई गोटे काउनसिल अफ मिनिस्टर रही है हेड हे कि प्राइम मिनिस्टर अफ्फिया सेवेंट फाइव नंबर आर्टिकल कौन कि इंडिया प्रेसडे पी पीएम को अपॉइंट करेंगे देन तापर एगे प्रेसीडेंट काउनसिल अफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे बट अन् दडभइस अफ द पीएम सेवेन्टी एइट नंबर आर्टिकल कौन कि ड्यूटी अफ द प्राइम मिनिस्टर जे कि गवर्नमेंटर सबकि इनफर्मेशन प्रेसीडेंट को किए जन पीएम जन यहाँ कौन ड्यूटी तो आर्टिकल नंबर प्रेजेन्ट अच्छी केवेन्टी एइट आर्टिकल नंबर सेवेन्टी ठीक है सेवेन्टी नाइन का कौच सेवेन्टी नाइन कंपोजिशन अफ पार्लमेट देन 80 का विषय एइ्ट ना लोकसभा विषय राज्यसभा विषय में कौन आउ 81 वाटा कौन लोकसभा विषय ठीक है तीन जगह आर्टिकल मन मैंने रख नंबर आर्टिकल आंसर आर्टिकल सेवेन्टी दुशन द ड्यूटी अफ द प्राइम मिनिस्टर टू कम्युनिकेट टू द प्रेडेंट अल डिशन अफ द काउनसिल अफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू द दडमिस्ट्रेसन अफ द अफेयर अफ द यूनियन एंड प्रपोजल्स फर लेस्लेसन ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन सहित लास्ट क्वेश्चन को आज डिस्कशन आ

মিনিষ্টার আসবে কাউনসিল অফ মিনিষ্টর সে ওথ দেবার কাম কি করবে ওথ্র অর্থ হচ্ছে শপথ আনছে অফিস এট সিক্রেসি পদ আোপনীয়তার শপথ তাকে কি সেইবি কি দেবে না প্রেসেট হিং দেবে দেবে প্রেসিডেন্ট হে তো মনে রক আপেন্ট বিবে প্রেডে আথ বি দেবে প্রেসেট বট কৌনসিল অফ মিনিটর ভিতরে কি রহবে সে পিএম কিএম কিএম কেন এই কন্ডিশন ওথ দিজ যাকে কি দেবে প্রেসিডেট অফ ইন্ডিয়া দেবে ঠিক আছে तो आंसर है कौन ना प्रेसिडेंट अफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर नुह चीफ जस्टिस अफ इंडिया नुह कि स्पीकर अफ लोकसभा नुह आन्सर है प्रेसडेंट अफ इंडिया ठीक है बिफोर ए मिनिस्टर एंटर्स अफ एन हिज अफिस द प्रेडेंट अफ इंडिया एडमिनिस्टर्स टू हिम द ओथ अफ अफिस् एंड सिक्रेसी द मिनिस्टर स्वेज दट हि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम्युनिकेट और रिवील टू एनी पर्सन एनी मैटर दैट इज ब्रॉट अंडर हिज कंसीडरेशन और बिकम नो ટુ હિમ સચ એ યુનિયન મિનિસ્ટર આક્સેપ્ટ એજ મે રિક્વર્ડ ફર દ ડ્યુ ડિચાર્જ અફિસ ડ્યુટી એજ વેલ્ એજ મિસ્ટર કં ના સિવા કામ દીયા સિ પ્રપરલી કર્યો દેન તણ ના અફિસીલ રિટેડ કોણ જ કા સહિત સેર કરે એ પદ આ ગોપન શપથ પાઠ કે ના ભારત રાષ્ટ્રપતિ કરે પીએમ કુ કરે આ મંત્રીપરીષદર મેમ્બર મકાન ठीक अच्छे तो या सहित आज आम ट्वेंटी क्वेश्चन को डिस्कसन कले जो कि इंपोर्टाट ट्वेंटी क्वेश्चन और एक्प्लेनेसन को आम देखे नेक्स्ट एगेन आउ गे क्लास रहा किसी इंपोर्टा क्वेश्चन सहित मुझे तो जो भी सेयार कर तो सेयार कर दिव फ्रेंड मान सहित तो लिंक को टेलीग्राम के जइन हो जाओ दे पीड तुम सीट पाई पार्क ठीक अच्छे तो थैंक यू समस्त को थैंक यू टू अल्ल यू